वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं IR कॉन्सेप्ट्स एंड कंस्ट्रक्शंस। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको आपका खुद का प्लान और डिज़ाइन बनाना है, नीचे आप एक नंबर देख सकते हैं, उस नंबर पे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइटल और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, 20x30 फीट प्लॉट है। इसमें आपको 4 बेडरूम्स मिल रहे हैं, ड्यूप्लेक्स हाउस है। इसमें आपको टॉप रूफ टॉप में एक छोटा सा गार्डन भी मिल रहा है। तो चलिए ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, आगे की तरफ रोड दिखाया है और गेट के पास आ जाते हैं। गेट के आप एंटर करते ही आपको एग्जैक्ट लेफ्ट साइड आपको 6 फीट 6 इंचज़ बाय 4 फीट का यहाँ पर गार्डन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी 2 फीट वाइड गार्डन प्रोवाइड किया है, बट एलिवेशन में मैंने क्या किया है, ये जो पूरा एरिया है वो कंप्लीट आगे की तरफ लेके यूटिलिटी थोड़ा बढ़ा करके वो जो एरिया है उस पर टाइल्स क्लैडिंग कर दी है, ताकि उसमें मैं लाइट्स लगा सकूँ। आई होप वो आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए पार्किंग के पास आ जाते हैं। 9x14 फीट की आपको यहाँ पर पार्किंग देखने को मिल रही है और राइट साइड आपको 2 फीट का सेटबैक भी मिल रहा है। और लेफ्ट साइड तो कंप्लीट यूटिलिटी है, तो इसके ऊपर आपको ओपन स्पेस मिलेगा और ये 2 फीट का सेटबैक भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए एंटर करते हैं घर के अंदर। आपको 15x9 फीट का यहाँ पे लिविंग और डाइनिंग मिल रहा है। टोटल ये आपको बड़ा एरिया, स्पेशियस एरिया मिलेगा। यहाँ से डाइनिंग से आपको किचन मिलेगी जो है 6x10 फीट की। आप ये चाहे तो कंप्लीट क्लोज भी कर सकते हैं। और किचन से यहाँ पे 3x11 फीट का यूटिलिटी भी प्रोवाइड किया है। तो आते हैं लिविंग एरिया के पास। यहाँ से आपको पीछे की तरफ एक कॉमन बाथरूम देखने को मिलेगा जो है 7x4 फीट का। और यहाँ पर आपका स्टेयरकेस स्टार्ट होगा। ओ आप देख सकते हैं 6 फीट वाइड है, 2 फीट 6 इंचेस यहाँ पे स्पेस मिल रहा है और लैंडिंग भी 2 फीट 6 इंचेस आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप ऊपर चढ़ के आ जाएंगे फर्स्ट फ्लोर में। आप देख सकते हैं लिविंग के ऊपर एग्जैक्ट आपको एक और लिविंग मिलेगा जो है 10 फीट 6 इंचेस बाय 8 फीट 6 इंचेस का। यहाँ से एक और कॉमन बाथरूम प्रोवाइड किया है 7x4 फीट का। ये इसलिए क्या है, बिकॉज आगे की तरफ एक जो बेडरूम है इसमें अटैच आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए फर्स्ट फ्लोर में भी एक कॉमन बाथरूम दे दिया है। तो लिविंग एरिया से आते हैं आगे की तरफ, आपको ये बेडरूम मिलेगी 9x13 फिट 6 इंचज़। इसके बाजू में एक और बेडरूम मिलेगी जो है 9 फिट 6 इंचज़ बाय 11 फिट 6 इंचज़ की। आपको 10x2 फिट 5 इंचज़ की ये बालकनी भी मिल रही है बेडरूम के लिए। और यहाँ पे अटैच बाथरूम मिल जाएगा आपको जो है 4x8 फिट 6 इंचज़ का। आप देख सकते हैं हर एक साइड में आपको विंडोज़ प्रोवाइड किए हैं, वेंटिलेशन का कोई दिक्कत नहीं होगा। 20x30 प्लॉट है बट स्ट्रिक्टली सेटबैक स्पेस प्रोवाइड किया है ताकि वेंटिलेशन में दिक्कत ना मिले। तो चलिए स्टेयरकेस के पास आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर में। यहाँ से आप ऊपर चढ़ के आ जाएंगे सेकेंड फ्लोर में। आपको आगे ये कंप्लीट 4 फीट वाइड स्पेस मिलेगा। यहाँ से आप आएंगे, आपको ये एक छोटा सा 7x8 फीट 6 इंचज़ का सीटिंग भी मिल रहा है यहाँ पे। इसके आगे आपको ये कंप्लीट रूफ गार्डन देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्लाइडिंग डोर लगाया है, आप देख सकते हैं एल शेप में आपको ये गार्डन मिलेगा। एलिवेशन में आपने अभी देखा नहीं होगा, एंड में आप वो देख पाएंगे। तो इसके आगे आते हैं, बिल्कुल वही नीचे आपने साइजेस देखे होंगे, वही साइजेस के आपको बेडरूम्स मिलेंगे और बालकनी भी मिल जाएगी और इसे अटैच बाथरूम भी मिल जाएगा। तो जैसे आपने देखा, ये था हमारा आज का 20x30 फीट प्लॉट में ड्यूप्लेक्स हाउस। 4 बेडरूम्स प्रोवाइड किए हैं, इसमें आपको रूफ गार्डन भी मिल रहा है। एलिवेशन थोड़ा अलग टाइप बनाने के लिए ट्राई किया है, आई होप वो आप सबको पसंद आया है। अगर आपको ये प्लान और एलिवेशन पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दें, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज आगे इससे भी बेहतर प्लान्स और डिज़ाइंस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब हम उस वॉक थ्रू को कंटिन्यू करते हैं।